मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर फताशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है कैस्कारिला। एड्स ऑन दी डाइजेस्टिव ट्रैक ये निज़ाम इन्हज़ाम पर असर करती है और ख़ास तौर पर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है। एवर्शन टू द स्मेल ऑफ टोबैको और तंबाकू की खुशबू से इसको नफरत होती है, यानी सिगरेट की खुशबू से नफरत होती है। इंक्लिनेशन टू वोमिट वेरी मार्क्ड और इसमें कह का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेदे की लामात में हंगर आफ्टर मील्स, खाने के बाद फिर भूख लगती है। डिज़ायर फॉर हार्ड ड्रिंक्स, गर्म मशरूबात की ख्वाहिश होती है। नाजिया एंड वोमिटिंग, मतली होती है और कह होती है। पेन इन द स्टमक एज फ्रॉम ए शॉक और किसी सदमे की वजह से मेदे में दर्द होता है। प्रेसिंग कॉलिक, ऐसा कोलांज जो दबाव जिसमें फील होता है। पखाने के अलामात में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है, स्टूल हार्ड, पखाना सख्त है, कवर्ड विद म्यूकस जिसके ऊपर म्यूकस लगा होता है, आँव होती है, ग्रेफाइटिस के साथ कंपेयर करेंगे। ब्राइट ब्लड विद स्टूल और पखाने के साथ चमकदार खून आता है। डायरिया अल्टरनेटिंग विद हार्ड लंपी स्टूल और इसहाल होते हैं, या फिर मोटा पखाना होता है, सख्त होता है, विद बैक एक जिसके साथ कमर दर्द होगा एंड लैसीट्यूड और कमजोरी होगी, प्रीसीडेड बाय ग्रिपिंग और इससे पहले पेट में मरोड़ भी होगा। ग्नाइंग पेन हाई अप इन द रेक्टम और जो रेक्टम है उसमें ऊपर की तरफ एक मुसलसल दुखनदार दर्द भी होगा, तकलीफ देने वाला, कुतरने वाले जिसको दर्द कहते हैं। इसकी डोज जो जहाँ रिकमेंड की गई है वो फर्स्ट टू थर्ड पोटेंसी है। अगली दुआ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ अल्लाह हाफिज़।